वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता होगा, इससे पहले जो है सो हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई फ्रेंड्स 12th का मैथमेटिक्स या 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो उसको भी शेयर कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10th और 12th का मैथमेटिक्स का क्लास चलता है। तो चलते हैं जो है सो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 का आज हम पहला नंबर करेंगे। ठीक है, तो 14 का पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला नंबर जो है सो कह रहा है सो दैट, यानी कि कह रहा है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ये दोनों आपस में इक्वल यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, वो पता होता है कि अगर बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ही गुना का सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम गुना करेंगे। और अगर आपने अभी तक जो है सो पुराना वाला क्लास नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे जो है इससे पहले वाला क्लास उसमें पढ़ा होगा। तो चलिए करते हैं गुना। तो ऐसे करना होता है हम लोगों को, पाँच को दो से गुना करेंगे, पाँच दो ना दो 10, ये रो और कॉलम के साथ ऐसे जाता है, ये रो देन कॉलम इस तरह से, आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्लास में। ठीक है, पाँच दो ना 10 और प्लस आता है उसके बाद इसको इससे -3 होगा। ठीक है, अब इसी रो को इस कॉलम से गुना करना है। अब इसको इससे और इससे, ठीक है, दोनों जो है सो एक ही साथ दोनों साइड करते जाएंगे, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे देन इसको इससे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 प्लस -1। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पहले प्लस ही आता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसकी वजह से नहीं सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5, 10, 6, 1, 6 होगा। कॉलम को कॉलम से नहीं, कॉलम को रो से करना है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1, देख सकते हैं प्रूव हो चुका है, ये और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है सो दूसरा नंबर है, 14 कहीं, क्वेश्चन नंबर 14 कहीं दूसरा नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर आप जो है सो खुद करके देख लेना, अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स में अगर कहीं i आ जाए इस तरह से, ठीक है, तो उसके लिए जितने रो का मैट्रिक्स अगर कह रहा है तो उसमें इस तरह से आते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है,
इस तरह अगर 2x2 है तो उसके हिसाब से ये होगा, गैप तो आई की जगह पे ये आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये दिया हुआ है, इफ यदि ए इक्वल्स टू है 201 213 एंड 1 -1 एंड 0, ए इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, ये निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a+6i, ठीक है, इसको निकालना है। तो पहले सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए इंटू ए कर देंगे, तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए इंटू ए, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। तो कर लेते हैं, सही है। क्वेश्चन 102 इन 201 213 एंड 1 -1 एंड 0, अब इसको निकालते हैं। ऐसे और ऐसे करना होता है गुना बार में, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है सो गलती ना करें, ठीक है। तो 2 2 फिर 0 फिर 1 0 0 -1 0 इंटू 0 1 -1 -1, समझ गया, ठीक है। फिर 2 फिर 0 फिर 0, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो है सो इससे करना है, ये वाला रो लेना है, 4 2 3, ये हो गया। अब इससे 0 1 -3, ठीक है, फिर इससे 2 3 0, फिर तीसरा रो 2 -2 + 0, 0 -1 -1, ओके, फिर 1 -3 + 0, कहीं गलत जो है सो हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 2 = 4, 0 × 2 = 0, 1 × 1 = 1, ठीक है। 2 0 0 0 0 0 एंड 1 -1 -1, ठीक है। फिर 2 × 2 = 2 2 × 1 = 2 0 × 3 = 0, फिर 1 × 0 = 0, ठीक है, ये ठीक है। 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2, फिर 2 × 3 = 1 3, ठीक है, ये 0, फिर 1 फिर -3, ये भी ठीक है। फिर जो है सो 2 1 फिर 3 फिर 0, ये भी ठीक है। 1 × 2 = 2 -2 = 0, ये ठीक है। 0 -1 -1, ये भी ठीक है। 1 -3 × 0, ये भी ठीक है। तो हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब जो है सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 -1 × 2, 4 2 6 3 9, 3 -3 में 1 गया, -2 3 2 5, 2 2 = 0 हो गया, ये हो गया -2 -, ये भी 2 आ गया,
ए स्क्वायर हमारा ये आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं, ए स्क्वायर हम निकाल लिए ये वाला, अब हमको निकालना है 5a और 6i, ठीक है। i तो हमने आपको बता दिया क्या है, उसको 6 से गुना करेंगे और a दिया हुआ उसको 5 से गुना करेंगे, तो 5a हम निकाल लेंगे। तो 5a इक्वल्स टू है 201 213 1 माइनस 1 इंटू 0, तो हो जाएगा 5 ए हमारा 10 0 5, 10 5 15 5 माइनस 5 इंटू 0, ठीक है। आई हमारा है ये 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का आई ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमको निकालना है 6i, ठीक है, तो 6 into 1 0 0 0 1 0 0 1, तो ये भी हमारा आ गया है। पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हमें जो है सो निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए और प्लस 6i, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकाल लिए हैं, 5a निकाल चुके हैं, 6i निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर हमारा क्या आया था, ऐसे लिख चुके हैं साइड, 5 माइनस 1 2, ठीक है, 5 माइनस 1 2 एंड 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5 एंड 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, ये हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आज हम जैसा कि आपको पता है हर क्लास में हम 3 क्वेश्चन करते हैं, आज भी 3 क्वेश्चन करेंगे, 14 15 और 16, अगर टाइम बचेगा तो 17 भी कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे हम जो है सो बैठा देते हैं, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 एंड -2, -5a, 5a हमारा है 10 0 5, 10 5 एंड 15 एंड 5 माइनस 5 इंटू 0 एंड 0 नॉट इंटू एंड 6i, 6 0 0 0 6 0 जीरो जीरो एंड 6, ठीक है। तो आपको पता है पहले जोर होता है फिर घटाव होता है बोर्ड मास रूल पे, ठीक है। तो पहले जोड़ देंगे, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 2 एंड -2, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, 16 0 5, 16 0 एंड 5, 10 में 0 10, 15 में 6 11, 15 में 0 15, ये 5, ये -5 और ये 6। तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे आंसर, यहाँ से घटा देंगे आराम से, ये हो जाएगा -11, -0 -0, -1 और -0, तो वही रह जाएगा -1 ही, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो
हो जाएगा माइनस माइनस टू माइनस इलेवन माइनस 13, ये हो जाएगा माइनस 10, यहाँ हो जाएगा आपको माइनस 5 एंड माइनस 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 प्लस एंड ये तो यहाँ हो जाएगा आपका 3। सही है। माइनस टू में प्लस 5 जाएगा तो प्लस 3 होगा ना। माइनस टू माइनस 6 माइनस 8, तो ये आपका आंसर आ चुका है इसका, जो भी ये कह रहा था। ठीक है, तो हम ने 15 नंबर कर लिया। ठीक है, अब गलती तो कहीं नहीं होना चाहिए। जीरो प्लस 5 प्लस 15 कर दिए तो पूरा चलो ठीक है। तो यहाँ माइनस था, पहले इस दोनों को जोड़ना है, जोड़ के इसमें घटा देना है, आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में है तो हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन यहाँ पे इस तरह से ले जाता है, इससे एक माइनस जाएगा निकलेगा बाहर, इससे फिर एक माइनस जाएगा बाहर निकलेगा, और इससे पूरा अगर सब में माइनस है तो माइनस जाएगा बाहर, तो 3 माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉमन निकाल के हम ऐसे लिख सकते हैं 11 1 एंड 3 1 13 एंड 10 एंड 5 माइनस 3 एंड माइनस 8, नहीं बल्कि 8, ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने 15 नंबर खत्म किया है, 15 और 16 देखते हैं। ठीक है, 16 में भी सेम है, सेम। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा 16 नंबर, तो अगर मैं कह दूं कि 16 नंबर आप खुद करके देखना, तो ट्राई करना एक बार। ठीक है, 16 को ओके, ए दिया हुआ है एंड आई दिया हुआ है, फाइंड टू के सो दैट ए। तो हम देखते हैं 17 नंबर, जैसा कि मैंने 14 में दूसरा नंबर छोड़ा था, 14 का क्वेश्चन नंबर दूसरा एंड 15 कर दिया, 16 आप करके देखना, नहीं करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और अगर आपने अभी तक जो है सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब जब क्लास आएगा। ठीक है, तो इसमें 17 नंबर में दिया हुआ है, इफ़ यदि यदि ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, ये दिया हुआ है, एंड जैसा कि मैंने बताया था आपको ये 2 × 2 है, तो आई यहाँ पे क्या होगा 1001, वही दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, निकालना है फाइंड के, को फाइंड करना है। ठीक है, और सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ये प्रूव भी करना है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए माइनस 2i। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, माइनस 2। ठीक है,
ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4 2 8, फिर माइनस 6 माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 3 12 माइनस 4 2 8 एंड माइनस 4 2 8 माइनस माइनस 2 2 4, तो ए स्क्वायर हमारा निकल गया 1 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, ए स्क्वायर हमारा निकल गया है कि हमें फाइंड करना है ना। और ये दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2 i, और 2 i बराबर हमारा हो जाएगा 2002, ये समझ चुके हैं आप, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर रख देंगे, इसको रखेंगे भी, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 i, ठीक है, ए स्क्वायर आया है 1 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, के हमको निकालना है, ए दिया हुआ है, सही है, और माइनस 2 i, 2 i 1 4 माइनस 2 माइनस 2, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, ये जो है ये माइनस में जो है इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2, इधर ये माइनस में है, इधर आके प्लस में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा सारा कुछ, इसको जोड़ देंगे, 2 माइनस 2 4, ये घट जाएगा, जाएगा 0 के 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, इधर गुणा में है, ये आके इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो हम के यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो सर इसको के को इधर नहीं लाना है, के को जो है सो इसके साथ पूरा गुणा कर देना है, 3 के माइनस 2 के 4 के एंड माइनस 2 के, सही है, इक्वल्स टू 2 माइनस 2 4 इंटू 0, ठीक है। अब के का वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस 8 प्लस 4, 4, हाँ 8 में जब माइनस 8 प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा ना, एक गलती हुआ था यहाँ पे, ठीक है, माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, 4 दे 6 माइनस 6 और सब ठीक है, ए स्क्वायर 1 4, ये 4 आएगा, ठीक है, आई थिंक अब जो है सब सही हो जाना चाहिए, तो 1 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, 4, ये 4 था ना, तो ये भी माइनस 2, 2 1 2 2 माइनस माइनस 2, ये 4, 4 में 4 में जो है सो माइनस 4 में 2 गया, तो माइनस 2 बचता है, ठीक है। अब बट इधर का जो है हमारा ये कौन सा है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक
थ्री के, तो हमारा के का वैल्यू जो है सो वन आएगा। ठीक है, कैसे? अब जो है सो हम देखेंगे टू के, जब टू के इक्वल्स टू माइनस टू के लेते हैं तो वन आता है, यहाँ भी माइनस टू के इंटू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू के लेते हैं तो यहाँ भी आता है वही, इससे भी आता है वही। थ्री के इधर थ्री आना चाहिए था, बिल्कुल आएगा, टू प्लस वन ये थ्री हो जाए, सॉरी जहाँ जहाँ हमने गलती किया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा, मान आ चुका है थ्री के इक्वल्स टू थ्री, तो के का वैल्यू आ गया वन। यहाँ से हमने के इक्वल्स टू वन निकाल लिया, एकदम करेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो इसको जो है सो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लास्ट में कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है आज किए 14 किए, 15 किए एंड 17 किए, तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बाकी क्वेश्चन कल वाले क्लास में देख लेंगे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।